प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठे वर्चुअली गुजरात को तीन बेशकीमती तोहफे दिए हैं। एक तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि वडनगर के रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया और इसके अलावा गांधीनगर के आलीशान रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया, जिसमें 5-स्टार होटल भी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की साइंस सिटी का भी लोकार्पण किया है। एक बारगी तो इसे देखकर किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है। देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, जिसके ऊपर 5-स्टार होटल है और नीचे ट्रेन दौड़ती है। इसमें 300 से ज्यादा कमरे हैं, लिफ्ट और एस्केलेटर के जरिए मुसाफिर सीधे होटल में पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसका शिलान्यास किया था और आज मोदी ने इसका वर्चुअली लोकार्पण भी कर दिया। आधुनिक रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के ऊपर आलीशान होटल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का ये प्रयोग भारतीय रेलवे में एक सार्थक बदलाव की शुरुआत है और ये गुजरात की जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बेशकीमती तोहफा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली साइंस सिटी अहमदाबाद में बनी इस साइंस सिटी में एक्वाटिक गैलरी है, नेचर पार्क भी है, इसके साथ ही रोबोटिक गैलरी भी है। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। अहमदाबाद में ये साइंस सिटी अद्भुत है। इसकी एक्वाटिक गैलरी में जहां शार्क समेत सैकड़ों प्रजाति की मछलियां होंगी, तो रोबोटिक गैलरी में रोबो तरह तरह के काम करते हुए दिखाई देंगे। 20 एकड़ में बने नेचर पार्क की खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेगी। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए।